मैट्रिक्स मेथड से रैंक को निकालने के लिए सबसे पहले आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन समझने होंगे। और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि जब आप डिटरमिनेंट की प्रैक्टिस करते हैं, डिटरमिनेंट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो वहाँ पर भी हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं। और ये हमने बोला ही है कि कभी भी मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट पढ़ते हैं तो आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि मैट्रिक्स में क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं, मैट्रिक्स क्या है और डिटरमिनेंट क्या है, और डिटरमिनेंट में क्या क्या अप्लाई होगा। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट को एक सेपरेशन से बना के रखें, हमेशा बताया हमने। तो ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स के लिए, डिटरमिनेंट के लिए नहीं है, ठीक है। डिटरमिनेंट में बताएंगे कौन सा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लग सकता है, मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो लिखे गए, कहने का मतलब इंटरचेंजिंग एनी टू रोज या कॉलम। आप मैट्रिक्स में कोई भी पहली रो को दूसरी रो की जगह आर आई इंटरचेंज आर जे, मतलब कोई पर्टिकुलर रो किसी पर्टिकुलर रो की जगह स्थानांतरित इंटरचेंज कर सकते हैं, ऊपर से नीचे कर सकते हैं। मगर ये डिटरमिनेंट में अगर करेंगे तो किसी भी रो को, किन्हीं दो रो को, किन्हीं दो कॉलम को जब इंटरचेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट वैल्यू के मैग्नीट्यूड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट साइन कैसा हो जाता है, अपोजिट माइनस साइन हो जाता है, होता कि नहीं होता। तो डिटरमिनेंट में आप रो को रो से चेंज करने पर, कॉलम को कॉलम से इंटरचेंज करने पर वैल्यू अपोजिट आ जाती है, क्या जाती है, जबकि मैट्रिक्स में आप इंटरचेंज कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ कोई भी एलिमेंट ऑफ एनी रो, मतलब रो के सारे एलिमेंट को आप बाई ए नॉन जीरो स्केलर, यानी कि आप क्या कर सकते हैं, उसी रो के सारे एलिमेंट्स को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते, दोनों उसी रो को, सेम रो को आप क्या कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे आपको दिखाते जाते हैं, पहला वाला 1 2 3 2 4 6 और 1 4 5, तो आपने क्या किया, R1 R2 में ये ऑपरेशन लगाया। जैसे ही ये लगाएंगे आप ये सिंबल लाएंगे, क्या लगाएंगे, यह सिंबल इक्वल की जगह इक्वलेंट, कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे, इक्वलेंट, लिखा गया है कि इक्वलेंट है। जैसे ही एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, मैट्रिक्स इक्वलेंट हो गई, ठीक है, और R1 की जगह चली गई R2 की जगह R1, तो 2 4 6 1 2 3 और 1 4 5, यानी इनको आपस में आपने इंटरचेंज कर दिया। जब आपने ये लगाया तो हम ये कह रहे हैं कि R1 में R1 बाई 2 कर रहे हैं, R1 बाई क्या कर रहे हैं, पहली रो के एलिमेंट को क्या कर दे रहे हैं, आधा, तो इक्वलेंट ही रहेगी। यहाँ क्या हो जाएगा, 1 यहाँ 2 और यहाँ 3, 1 2 3 1 4 5, तो ये ऑपरेशन पहला वाला क्लियर हुआ। ये ऑपरेशन कौन सा, दूसरा, ये कह रहा है कि एडिशन ऑफ कॉन्स्टेंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट बाई एनी रो टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो। तो इसको हम बताते हैं, ये वाला आप ऑपरेशन डिटरमिनेंट में लगा सकते हैं, समझे कि नहीं, ये वाला ऑपरेशन डिटरमिनेंट में जब लगाएंगे तो वहाँ चेंजेस आ जाते हैं। यहाँ माइनस, यहाँ लगाओगे, अगर आपने क्या किया, आधा किया, क्या किया, यहाँ पे आधा किया था, तो बाहर भी क्या करना पड़ेगा, दोगुना करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा, समझे ना, आधा किया तो दोगुना करना पड़ेगा, दोगुना किया तो क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा, ठीक, क्यों, वैल्यू है, क्या है, वैल्यू है। ये वाला आप ऑपरेशन डिटरमिनेंट में अप्लाई करते हैं, ठीक है, बाकी सारे ऑपरेशन आप डिटरमिनेंट में अप्लाई करेंगे तो वैल्यू को एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक। ये ऑपरेशन क्या कहता है, जैसे कि आपने क्या किया, R2 में R2 प्लस 2R1 आपने जोड़ दिया, क्या कर दिया, 2R1 जोड़ दिया, तो अब क्या हो जाएगी मैट्रिक्स, चेंज किस में ला रहे हैं, R2 में कितना, R1 में कोई चेंज हुआ, तो वही से रहेगी, 1 2 3, इसका दोगुना करिए और इसमें जोड़ दीजिए, तो हाँ 2 टाइम्स करना है मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 प्लस 1 2 into 2 4 4 plus 2 3 into 9, ये इसमें कुछ हुआ, 1 4, यहाँ पर अपडेशन हुआ था, ठीक है। तो ये सारे ऑपरेशंस एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है, इनको समझना होगा जब भी आप इक्वलेंट फॉर्म बनाएंगे या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के बिना, ठीक है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। और बताया गया यहाँ पर है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स को, यहाँ बताया गया है कि किसी मैट्रिक्स को अगर आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं,
तो मैट्रिक्स इक्वल ना रह के क्या ले जाती है, अगर आपने वहाँ पर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया तो आप मैट्रिक्स इक्वल ना होके क्या हो जाएगी, इक्वलेंट हो जाएगी। और आगे हम बताएंगे इक्वलेंट मैट्रिक्स मैट्रिक्स के बराबर नहीं होती, रैंक बट चेंज नहीं होती, रैंक चेंज मतलब इसकी जो रैंक होगी इक्वलेंट मैट्रिक्स की रैंक विल बी सेम, रैंक विल बी सेम। मतलब अगर कोई क्वेश्चन आता है कि एक मैट्रिक्स में काफ़ी सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किए गए तो रैंक में क्या फ़र्क होगा बताइए, रैंक इफेक्टेड होगी, क्या होगी, डज नॉट इफेक्टेड या इफेक्टेड। हाँ, अगर नंबर ऑफ ऑपरेशन बहुत है, बहुत सारे एलिमेंट्री ऑपरेशन जो आप कितने भी लगा दीजिए, रैंक में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखते हैं इक्वलेंट फॉर्म कैसे बनाते हैं। अभी एक हमने एग्जांपल यहाँ पे लिया, उससे पहले हम लोग देखते हैं कि है क्या वो। एक जर्नल से हमने 5x5 यानी ऑर्डर 5 की एक मैट्रिक्स ले ली, ठीक है। इसमें देखेंगे इक्वलेंट फॉर्म बनता कैसे। तो आप स्क्वायर मैट्रिक्स है, आप इसके लीडिंग डायगनल को आप ऑब्जर्व करिए, लीडिंग डायगनल को अगर ऑब्जर्व करें ये डायगनल है, ठीक है, ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा, चौथा और पांचवा है कि नहीं। तो अगर देखें तो इसके बाद वाले, इससे नीचे वाले, मतलब ये सारे एलिमेंट, तो ये वाले सारे एलिमेंट दिखाए जा रहे वो, ये सारे एलिमेंट, और इसके नीचे वाले ये सारे एलिमेंट, और इसके नीचे वाले ये सारे एलिमेंट, और इसके नीचे वाले ये सारे, मतलब उस ट्राइंग उस डायगनल के सारे नीचे। तो इस सारे एलिमेंट को, इन सारे एलिमेंट को, इन सारे एलिमेंट, इसकी हेल्प से, इस वाले एलिमेंट के हेल्प से इसको हम लोग क्या कर देंगे, ये सब पाइवोटिंग कर देंगे, क्या बोलते हैं उसको जो प्रोसेस कर रहे हैं, पाइवोटिंग। पाइवोटिंग मतलब होता है जो अनइम्पॉर्टेंट है, क्या है, जिनका इम्पोर्टेंस नहीं है, अनइम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट हैं, अनइम्पॉर्टेंट है उनको हम लोग हटा देंगे, वैनिश कर देंगे, जीरो बना देंगे, ठीक है। तो अभी प्रोसेस देखेंगे वो, इन सबको क्या बना दिया गया, जीरो बना दिया, इनको भी क्या, इनको भी जीरो। जब ये जीरो बना देंगे तो ये वाली जो हमारी मैट्रिक्स होगी वो कैसी होगी, हाँ, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक। तो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के लिए स्टेटमेंट लिखा था कि उसी से रैंक डिसाइड कर रहे थे कि नहीं, जो सबसे पहले स्टेटमेंट लिया था। तो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हमें बनानी, तो अब हम यहाँ देखते हैं कि एक प्रैक्टिकली हमने, ठीक, एक रियल एग्जांपल लिया है इस सारे प्रोसेस को कैसे करना है। तो अभी ओवरव्यू लिया था, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, वही इक्वलेंट फॉर्म कहलाएगी। तो हमने एक मैट्रिक्स ले ली रो में 1, 4, 5, 2, 6, 8, 3, 7, 22। बस केवल हमें करना क्या है कि हमें सारे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप दिमाग में रखने हैं, उन्हीं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से हम लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। तो हमने देखो क्या किया, टारगेट किया इसको, इसको टारगेट किया, आप इसको और इसको जीरो बनाना है। तो हमने देखा कि इसका दो गुना, इसका तीन गुना, इधर फोकस नहीं किया। तो देखिए आर टू में, मतलब दूसरी रो में आर टू से टू टाइम्स आर वन कर दिया, तो ये ऑपरेशन में ये आ जाएगा। और आर थ्री में क्या किया, आर थ्री में तीन गुना आर वन घटा दिया। जब आप ये करेंगे तो 1, 4, 5 तो यहाँ है, जब दो गुना घटाएंगे तो इधर जीरो हो जाएगा, इसका दो गुना करेंगे तो आठ से ये तो -2 आ जाएगा, इसका दो गुना 10, इससे घटाएंगे तो -2 आ जाएगा, ठीक। तीन गुना करेंगे, थ्री टाइम्स करेंगे तो तीन थ्री हो गया, थ्री से थ्री गया जीरो, इसका थ्री टाइम्स 12, 12 से गया 7 से 12 गया तो -5, और इधर 10 है तो 15, थ्री टाइम्स 15 करेंगे तो 7। यहाँ पे आ गए, एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन सीखा था, किसी भी रो को आप में डिवाइड भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई। तो हमने यहाँ पे क्या किया, -2 से डिवाइड कर दिया ओवरऑल, तो 0, 1, 1 हुआ। अब हमें देखो इसके नीचे वाले सारे तो जीरो बन ही चुके थे डायगनल में, ये बड़े, तो अब इसके वाला ये वाला क्या होना चाहिए, जीरो। तो जीरो होने के लिए इसका पांच गुना करके जोड़ दें,
आर थ्री में क्या करें, इसका फाइव टाइम्स करके जोड़ दें तो आर थ्री, ये भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्म में सीखा था हमने जब हमने किया। तो यहाँ पर तो ये रहा, इससे कुछ मतलब नहीं, यहाँ से भी मतलब नहीं है। अब ये भी क्या जीरो, ये जीरो बन गया, ये तो बारह हो गया। अब देखिए इसके नीचे सारे जीरो बन गए, इसके सारे नीचे जीरो बन। अब मान लो हमें सपोज इससे ये जीरो बनाना है तो इसमें ट्वेल्व का मल्टीप्लाई करेंगे, घटा देंगे जीरो बन जाएगा। बट ट्वेल्व का मल्टीप्लाई करने पर ये घटाओगे तो माइनस बारह बन जाएगा। अब जब ये फिर नॉन जीरो बन गया, इसको जीरो बनाओगे तो ये, तो अब क्या है, इससे ज़्यादा मैक्सिमम जीरो बनने वाले नहीं, ठीक। इसको बोलते हैं एकलाइन फॉर्म, क्या बोले हैं, एकलाइन फॉर्म, ठीक। रैंक बराबर नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन अ गिवन मैट्रिक्स, यही था हैं हैं, रैंक मतलब नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स ना, या रिड्यूस्ड इन इक्विलेन फॉर्म। तो अभी हमने डेफिनेशंस लिखी थी, उसी डेफिनेशन पे फिर ध्यान दे रहे हैं। सपोज एक हमने मैट्रिक्स ले ली, आप देखिए कोई मैट्रिक्स अगर लेते हैं उसको इक्विलेन फॉर्म में बनाते हैं या अपर ट्राइंगुलर बनाते हैं, ये हम प्रोसेस पीछे देख चुके हैं। अब हम ऐसा एग्जांपल लेंगे जो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होगा या इक्विलेन फॉर्म में होगा, वन टू थ्री फोर फाइव, या ज़ीरो टू फाइव ज़ीरो थ्री, या ज़ीरो ज़ीरो वन टू वन, यहाँ पे ज़ीरो 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 वन ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो 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 हो गया, ठीक। ठीक, ये मैट्रिक्स हमने इनिशियली नहीं ली है, इस मैट्रिक्स को इनिशियली कंसीडर नहीं है, मतलब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ऐसी मैट्रिक्स सपोज आ जाती है आपके पास, क्या आ जाती है, आ जाती है। तो अब हमारे पास कितनी रो हैं, अब कॉलम कितना है, ऑर्डर फाइव क्रॉस फाइव है, मतलब आपने सॉल्व किया। आप पहले देखना इक्विलेन फॉर्म में है या नहीं है, तो देखिए डायगोनल के नीचे, डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट क्या हैं, इधर देखिए आप ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे है या नहीं है, इसके नीचे सारे क्या हैं, हमने जब पढ़ाया था तो हमने बोला था ऊपर को ध्यान नहीं देते हैं, नीचे को ध्यान दे, ऊपर जीरो हुआ या ना हुआ उससे मतलब नहीं है, नीचे वाले सारे क्या होंगे, अपर ट्राइंगुलर अचीव कर लिया, ठीक। अब इस वाली रो में देखिए, मतलब इसके नीचे देखो पाइवोटिंग यहाँ हो चुकी कि नहीं हो चुकी, इसके नीचे भी पाइवोटिंग हुई कि नहीं हुई, इधर भी हुई या नहीं हुई, इधर भी पाइवोटिंग हो गई, सारे एलिमेंट की पाइवोटिंग कर दी। अब रो देखिए, तो ये वाली रो क्या है, ज़ीरो है कि नॉन ज़ीरो, ज़ीरो रो बोलेंगे इसको, बोला गया था कि जीरो रो वो जीरो रो होती हैं जिनमें सारे एलिमेंट क्या हों, ज़ीरो, ये जीरो रो हो गई। इस वाली रो को जीरो या नॉन ज़ीरो, ये जो रो क्या है, जीरो है या नहीं है, जीरो तब होगी जब सारे एलिमेंट क्या हों, एक एलिमेंट इसमें जो जीरो है या नहीं है, तो ये नॉन ज़ीरो है, क्या है ये वाली, क्या है इटसेल्फ नॉन ज़ीरो, ये उसने बोला कि रैंक का मतलब नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, तो गिन लेते हैं, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज है, ये नंबर ऑफ ये नॉन जीरो रो है कि नहीं, ये कितनी है, टोटल चार क्या है, नॉन जीरो रो है, तो रैंक कितनी होगी, रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज फोर, यानी ये कम हो गई। अगर दो जीरो रो हो जाती सपोज इसके बाद, अगर यहाँ पे भी जीरो बन जाता तो रैंक कितनी आती, ठीक है। इक्विलेन फॉर्म में बनाइए, जितनी रो बन जाती है जीरो उसको हम रिड्यूस कर देते हैं। एक बहुत इजी सा एग्जांपल ले रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होता है जब शुरुआत करते हैं तो वो समझ जाते हैं
कि रैंक कैसे डिटरमाइन करेंगे, बट इक्लन फॉर्म लगाने में उन्हें दिक्कत होती है, इक्लन फॉर्म अचीव करने में दिक्कत होती है। मैंने बोला कि अगर आप स्टेप पर ध्यान नहीं देंगे, आप उठपटांग तरीके से आप करते रहेंगे तो आंसर हो सकता आए पर एक सिक्वेंस वे में नहीं मिलेगा। हमेशा आपको पहली रो के पहले एलिमेंट को ध्यान रखना है और टारगेट करके आपको इससे यहाँ पर जाना है, आपको जीरो बनाना है, ठीक है। एक ये प्रोसेस है, इसी को आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पर बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले R2 में हम लोग टारगेट कर रहे हैं, R2 के एलिमेंट को R1 के एलिमेंट से दो गुने से घटाएंगे, बोलिए कि नहीं। और R3 वाला कितना करेंगे, हाँ तो हमने देखिए बात ध्यान दीजिए कि हमने R1 को ही लिया, क्या लिया, कुछ लोग क्या करते हैं कि R3 को R2 से घटा देते हैं, कलाकार है वो, ठीक है, तो करने कर सकते हो आप, मगर फिर एग्ज़ाम में आज सोच लिया आप यहाँ ऐसा मिल गया कि R2 से आपने R3 से R2 घटा दिया, कभी कभी R3 से आप R1 घटा देंगे, तो इससे फिर एग्ज़ाम में आप ये नहीं श्योर हो पाएंगे कि आप कैसे करेंगे, ठीक है। एक प्रोसेस चलेंगे तो एग्ज़ाम में वो प्रोसेस कन्फर्म रहेगा, यहाँ आंसर में कितना समय लगता है पता, पहले पता ही चल जाता है उस, फिर उस आप, अगर आपके पास कम समय है तो आप, अगर आपको लगता है कि उससे ज़्यादा समय लगेगा तो आप उस रास्ते को अपनाओगे नहीं, अगर आपको लगता है कि समय मेरे पास इनफ है तो आप उसको अपना लोगे जब आपको पता है सोल्यूशन निकलेगा, ठीक है। डाउट वाली समस्या हमेशा अगर रही तो एग्ज़ाम में उस इन तरीकों को आप अप्लाई नहीं करोगे, ठीक। तो इसलिए ऐसा कोई रैंडम कोई मेथड ना लगाएं या रैंडम कोई एलिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन ना लगाएं। यहाँ पे क्या आ गया, जीरो आ गया, जब आपने इसका दोगुना किया जीरो, इसका दोगुना करने घटाया जीरो, इसका चार गुना किया तो इसका चार जीरो, ये सब जीरो हो गए। तो अब ये बताइए इसके नीचे क्या बने, सप्लाई वोटिंग हो गई। अब इसके नीचे जीरो होना चाहिए, वो भी है, इस डायगोनल के नीचे सारे जीरो हो गए, तो पाइवोटिंग एक बार में हो गई। अब हम नंबर आप नॉन जीरो रो काउंट कर लेते हैं, नॉन जीरो रो ये है, ये है, ये जीरो रो है, तो दो तो बची नॉन जीरो रो कितनी, एक नॉन जीरो रो है, और जितनी नॉन जीरो रो होंगी वही क्या होगी, तो रैंक कितनी आई इसकी, वन, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इतने सारे एग्जाम्पल्स और डेफिनेशन से रैंक आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन भी आपने सीख लिया, और डिटरमिनेंट मेथड से भी आपने रैंक मतलब माइनर से भी रैंक आपने सीख ली, सीख ली कि नहीं सीख ली। हाँ, नेक्स्ट हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहाँ पे रैंक और माइनर्स का बहुत यूज़ होता है, रैंक का तो यूज़ होगा ही होगा जब आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं। तो रैंक का सबसे ज़्यादा रिलेवेंस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और आइगन वैल्यूज़ में है, इसलिए रैंक को निकाल लेना और उसको अच्छे से डिटरमाइन करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की रैंक कैसे निकालते हैं आज हम लोग जानेंगे। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स में यहाँ पर बेसिकली दो डेफिनेशन हमने ली है, एक डेफिनेशन ये है, एक डेफिनेशन ये है। अभी हम लोग इस डेफिनेशन को एक बार समझेंगे, ये डेफिनेशन क्या कह रही है, फिर उसके बाद हम इसको समझेंगे, ठीक है। तो अभी ये जो स्टेटमेंट लिखे गए हैं, मतलब ये स्टेटमेंट जो हमारा है, इसको हम लोग प्रैक्टिकली समझेंगे। पहले से स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज सेड टू बी आर, किसी भी रैंक किसी मैट्रिक्स की रैंक अगर आर बोली गई है, स्मॉल आर एक नंबर है, उस नंबर से उसको एसोसिएट किया जा रहा है, उसका रैंक आर बोला गया, वो तभी बोला जाएगा इफ़ इट हैज़ एटलीस्ट वन नॉन ज़ीरो माइनर, वन नॉन ज़ीरो माइनर, नॉन ज़ीरो जिसकी वैल्यू जीरो हो या नॉन ज़ीरो, ज़ीरो ना हो, माइनर बताया गया था एक डिटरमिनेंट वैल्यू है, पीछे माइनर और कोफैक्टर जब बताए गए थे तो डिटरमिनेंट वैल्यू है, और माइनर का मतलब है कि कोई मैट्रिक्स दी गई है तो उसकी करस्पॉन्डिंग सब मैट्रिक्स, उसके करस्पॉन्डिंग क्या मतलब उसी के पार्ट, मैट्रिक्स का पार्ट, या तो आप पूरी पूरी मैट्रिक्स ले लीजिए, मैट्रिक्स इट्सेल्फ खुद में सब मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स इट्सेल्फ खुद में क्या है सब मैट्रिक्स, मतलब आपने क्या पूरी पूरी मैट्रिक्स आपने यूज़ की और ले ली,
सब मैट्रिक्स होगी, या आपने क्या किया एक रो और एक कॉलम लेफ्ट कर दिए, छोड़ दिया, तो जो बची दो रो दो कॉलम छोड़ दिए, ठीक है। अब स्क्वायर बनानी है तो एक रो एक कॉलम, दो रो दो कॉलम, ऐसा नहीं करेंगे, दो रो एक कॉलम तो स्क्वायर नहीं बन पाएगी। तो आप जब कॉलम और रो छोड़कर कोई मैट्रिक्स लेते हैं, वो भी उसकी क्या होगी, सब मैट्रिक्स होगी। तो इनकी डिटरमिनेंट वैल्यू, इन सब मैट्रिक्स की क्या डिटरमिनेंट वैल्यू माइनर होते हैं, क्या होते हैं, माइनर, ठीक है। तो माइनर हमने डिस्कस किए थे, तो बोला कि वो माइनर, उसने बोला कि ना एटलीस्ट वन नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर आर, ठीक, कम से कम एक, कहने का मतलब दो मिले, चार मिले, दस मिले, पंद्रह मिले, इससे दिक्कत नहीं है, मगर कम से कम एक जरूर मिलना चाहिए, ठीक है। और जिस ऑर्डर का वो मिलेगा, अब वो माइनर जिसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या हो, जीरो या नॉन जीरो, उसने बोला क्या नॉन जीरो माइनर, मतलब उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो, ठीक। जिस ऑर्डर का वो नॉन जीरो माइनर मिल जाएगा, रैंक उतने ही ऑर्डर के बराबर हो जाएगी, वो रैंक हो जाएगी, बशर्ते एवरी माइनर ऑफ ए ऑर्डर हायर देन आर इज जीरो, उससे ऊपर वाले जितने भी हैं वो सब पहले क्या बन चुके हों, हाँ, ऐसा ना हो कि आप जिसको मान रहे हैं वो नॉन जीरो, मगर ऊपर वाले भी नॉन जीरो, तो आप क्या करेंगे, फिर नॉन जीरो कंसीडर तभी करेंगे उससे ऊपर वाले क्या हो चुके थे। उसके लिए हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एग्जांपल। तो एग्जांपल से समझते हैं, तो पहले वाला एग्जांपल बोल दो, ऊपर वाली डेफिनेशन को ईजीएस्ट फॉर्म में बहुत ही आसान तरीके से समझने के लिए हम लोग तीन एग्जांपल यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। इन एग्जांपल के सहारे हम उस डेफिनेशन को प्रॉपरली समझ पाएंगे। सपोज हमने यहाँ पर ये वाला एग्जांपल लिया, ये 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी ऑर्डर 3 है इसका। अब हम लोग माइनर चेक करेंगे, क्या करेंगे माइनर, तो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर वाला माइनर हम चेक करते हैं। तो हाईएस्ट ऑर्डर वाला माइनर, ये जो डिटरमिनेंट बनाई गई 1, 4, 5, 2, 6, 8 और 3, 7, 22, ये एक डिटरमिनेंट वैल्यू है। डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना बहुत ही आसान है, उसको डिस्कस कर दिया गया था। इसके करस्पॉन्डिंग ये डिटरमिनेंट वैल्यू ली गई, ये इसका पार्ट है या यही है, इसके करस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स है वो यही है या इसका पार्ट है, तो स्क्वायर सब मैट्रिक्स होती है, उनका डिटरमिनेंट वैल्यू मतलब माइनर है, क्या ये माइनर ऑफ ऑर्डर 3, इस मैट्रिक्स का करस्पॉन्डिंग ये माइनर है ऑर्डर 3 का। जब आपने इसको सॉल्व किया तो वैल्यू क्या आई, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमने सबसे हाईएस्ट ऑर्डर का माइनर चेक किया, -134 आया, तो कोई वैल्यू आई बट वो जीरो नहीं थी, क्या नहीं थी, तो उसने बोला कि कम से कम ऐसा माइनर हो जो नॉन जीरो, मगर वो नॉन जीरो हो उससे पहले आप एश्योर कर लीजिए कि उसके हाई और हायर ऑर्डर पर, तो ये नॉन जीरो मिल गया, इसके हायर ऑर्डर पर जा पाएंगे, कि सबसे हायर ऑर्डर यही था, वो नॉन जीरो मिल गया, उसके ऊपर जा नहीं पाएंगे, तो जितने ऑर्डर का वो होगा, उसने ये वाले स्टेटमेंट बोला है कि जिसका आप डिसाइड कर रहे हैं, जिसका आप माइनर डिसाइड कर रहे हैं जो नॉन जीरो है, उससे पहले हाई ऑर्डर के उससे ऊपर वाले चेक कर लीजिए। तो हम चेक कर चुके हैं क्योंकि सबसे हायर है, तो ये वाला तो ऑलरेडी है, अब इस ऑर्डर की जो होगी वही रैंक होगी, तो किस ऑर्डर की है, 3, कितने ऑर्डर का है ये, 3, माइनर 3 ऑर्डर, तो इसका रैंक क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ ए इक्वल टू 3, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, अब हम इसके सबसे हायर ऑर्डर को माइनर चेक करते हैं, हायर ऑर्डर का माइनर क्या होगा, ऑर्डर 3 का माइनर क्या होगा, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 7, 12 और 2, 4, 6। जब आप चेक करेंगे, माइनर का मतलब डिटरमिनेंट वैल्यू है, ठीक है, माइनर का मतलब क्या है, मगर किस ऑर्डर का है, कम ऑर्डर का भी हो सकता है, इसलिए माइनर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, जब आप इसका चेक करेंगे तो जीरो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अब रैंक जीरो पे डिसाइड होती है कि नॉन जीरो पे, ठीक है, तो इससे हायर ऑर्डर पे जा सकते हैं, तो अब क्या करना पड़ेगा, इससे कम ऑर्डर के, क्या करेंगे, तो जीरो हुआ इसका मतलब अभी रैंक डिसाइड नहीं हुआ, आप इससे कम ऑर्डर के जाइए,
आपने सपोज यहाँ यहाँ ये ले लिया, ऑर्डर टू के आप माइनर हम लोग डिसाइड करने रहे, ऑर्डर थ्री का चेक कर चुके, ये माइनर लिया आपने 1 2 2 4, तो जब आप इसका निकालेंगे तो 4 माइनस 4 ये भी आ गया क्या? तो अभी ऑर्डर थ्री का माइनर सिंगल था, ऑर्डर टू के माइनर सिंगल नहीं है, ठीक है, बहुत सारे हैं, ठीक, ओके। तो उन सबको अभी जब आपको जीरो है तो इसका मतलब डिसाइड हुई है, नहीं हुई, नहीं हुई, कोई और चेक करिए, ठीक है। आपको जीरो चाहिए या नॉन जीरो? क्या चाहिए? नॉन जीरो। जैसे अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये क्या जीरो हो जाएगा, कोई मतलब नहीं, कोई नॉन जीरो ऐसा मिल जाए। तो अगर हम ये वाला माइनर चेक कर लें, कौन सा? ये वाला 1 2 4 7, तो 7 माइनस 8 -1 और जीरो के बराबर नहीं। तो आपको एक ऐसा माइनस मिल गया जो जीरो नहीं है, वो रैंक डिसाइड कर सकता है बशर्ते जिस ऑर्डर का वो है, किस ऑर्डर का है, ये टू ऑर्डर का है, उससे ऑर्डर वन है या टू है? टू है, तो इससे ऊपर का क्या होगा? थ्री ऑर्डर का। वो जीरो होना चाहिए कि नॉन जीरो? अगर वो नॉन जीरो हो गया तो रैंक टू होगी कि थ्री? थ्री होगी। तो अगर ये नॉन जीरो है तो उससे ऊपर वाला जीरो होना चाहिए, तो जीरो है, मतलब थ्री ऑर्डर का तो नहीं जाए डिसाइड कर, कौन डिसाइड करेगा टू? तो इसकी रैंक कितनी हो गई? इन जीरो वालों ने डिसाइड किया कि नॉन जीरो वालों ने? अब ये चाहे एक हो चाहे बहुत सारे, उससे मतलब नहीं, एक कम से कम मिल गया। अब आपको चेक करने की जरूरत, जीरो जब तक मिलता रहेगा तब तक आप चेक करते रहेंगे, और नॉन जीरो मिल जाएगा अगर पहली बार मिल गया तो आपका चेक करने का प्रोसेस एग्जिट, पहली बार नहीं मिला दूसरे ऑर्डर मिला, अब आपका क्या हो गया? एग्जिट। रैंक क्या आई यहाँ पर? कितनी आ गई इसकी रैंक? इस मैट्रिक्स की रैंक 2 आ गई, ओके। यहाँ मैट्रिक्स रैंक कितनी आई थी? अब यही प्रोसेस हम सबसे लास्ट में करते हैं। इसका हाईएस्ट ऑर्डर का आपने माइनर चेक किया, मैंने बोला माइनर मतलब डिटरमिनेंट, आप एक साथ एक सपोर्ट करेंगे, आपको इतना करना है कि इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी, नहीं अगर निकाल पाते ठीक है तो डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना सीख लीजिए, ठीक। इसका डिटरमिनेंट वैल्यू या माइनर कितना आया? डिटरमिनेंट वैल्यू कितने? जीरो आ गया। कितना आ गया? तो आप क्या करेंगे, यहीं रुके रहें या नीचे जाएंगे? नीचे जाने का मतलब ऑर्डर कम पे। तो आपने आप कोई भी माइनर उठाया 1 2 2 4, तो कितना 4 माइनस 4 कितना आया? कोई और उठाया आपने 4 6 8 12, 48 माइनस 48, ये भी क्या आ गया? जीरो। इसके सारे हम माइनर 2 क्रॉस 2 के चेक कर लिए, कितने चेक, क्या कर लिए, चेक कर लिए सारे माइनर, चेक कर लिए कि नहीं चेक कर लिए, ठीक है। सारे मतलब कितने होंगे? 3C2 × 3C2, 3C2 मतलब 3 और 3, 9 होंगे, कितने होंगे? आप सारे चेक करोगे तो जीरो आ जाएगा, सब में क्या मिलेगा? तो जीरो आने से रैंक डिसाइड हुई, ठीक है। तो थ्री ऑर्डर का माइनर क्या था, जीरो या नॉन जीरो? बोलो बोलो बोलो, जीरो था। तो आपको क्या वो रैंक डिसाइड हुआ है, आगे बढ़ना है? 2 क्रॉस 2 के सारे माइनर क्या मिलते रहे, तो रैंक डिसाइड हुई, क्या बढ़ना है? आगे बढ़ना। आगे आप सिंगल पे गए, सिंगल भी एक माइनर ही होता है, तो इस तरह से ये तो 1 का 1 हो जाएगा। जीरो है नॉन जीरो? अब ये रैंक, ये कितने ऑर्डर का है? ये नॉन जीरो जीरो, ये रैंक डिसाइड कर सकता है बशर्ते इससे ऊपर वाले क्या होने चाहिए, जीरो की नॉन जीरो। तो जीरो हैं सारे, तो रैंक कितनी हुई? अच्छा, आपको एग्जांपल दिए गए और मुझे लग रहा है कि आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है, ठीक है। तो रैंक जो डिटरमाइन किया, जो रैंक हमने अभी फाइंड किया था, वो डिटरमिनेंट मेथड बोल सकते हैं इसको, और विद हेल्प ऑफ माइनर्स, माइनर्स को की वैल्यू को किस हेल्प से हमने रैंक को डिसाइड किया, ठीक है, ओके, बात समझे कि नहीं। अब सपोज हमारे पास 4
क्रॉस फोर का एक मैट्रिक्स है। कितने क्रॉस कितने का? ऑर्डर्स का क्या है? फोर। ऑर्डर्स का क्या है? फोर। ठीक है। और हमारी रैंक, इसकी रैंक जो है वो टू आई। रैंक क्या आई आपको? कितनी ऑर्डर की मैट्रिक्स दी गई? रैंक कितनी आई? तो ये रैंक इसके बारे में क्या एक्सप्लेनेशन दे रही? रैंक टू आई तो इसका मतलब क्या है? माइनर ऑफ ऑर्डर फोर। बोलो, माइनर ऑफ ऑर्डर फोर। माइनर ऑफ ऑर्डर फोर क्या होगा? यानी कि अगर रैंक टू है तो इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी हो तो आप कितनी होगी इसकी? निकालेंगे कि बिना निकाले बता देंगे? हैं, फोर क्रॉस फोर की निकल जाएगी। हाँ हाँ, तो अरे चार भाई, फोर क्रॉस फोर की डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना टाइम टेकिंग है या? मगर रैंक टू दे दी गई। हाँ हाँ, तो डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ कितना होगा? बोलो कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। डिसाइड हो गया कि नहीं? बोलिए, निकालने जरूरत है या अपने आप डिसाइड हो गया? ठीक, रैंक टू होने से इसका मतलब है कि अगर रैंक टू हुई है तो इससे ऊपर वाले ऑर्डर के सब माइनर क्या हैं? तभी तो रैंक टू आई। ठीक, और माइनर ऑफ ऑर्डर थ्री, माइनर ऑफ ऑर्डर थ्री, ऑल माइनर की बात करें, ऑल माइनर्स। देखो, माइनर ऑफ ऑर्डर फोर, ठीक है, तो हमने वहाँ जैसे किया था 4C4, मतलब सारी रो उठानी पड़ेगी तभी चार आएगी। चार रो थी, चारों रो में से चार उठानी, और चार रो हैं, चारों से चार कॉलम से काम उठा दिया। 4C1 तो वन आएगी। ऑर्डर थ्री की तो रो कितनी है? चार, उनमें से कोई तीन उठानी एक टाइम पर, और कॉलम कितने हैं? चार, और उनमें से तीन उठा लिए, तो 4C3 का मतलब फोर। तो 16 ऐसे माइनर होंगे जो ऑर्डर कितने के होंगे? थ्री। वो सारे माइनर की वैल्यू क्या है? जीरो। चेक करने की जरूरत है? नहीं। ठीक, उन सब माइनर की वैल्यू क्या है? रैंक टू ने ये बता दिया, सबकी जीरो। अब रैंक कितनी है? अब टू ऑर्डर के माइनर, माइनर ऑफ ऑर्डर टू, 4C2 इंटू 4C2, 6 इंटू 6, 36। कितने माइनर बनेंगे? 36 स्क्वायर सब मैट्रिक्स बनेंगी जिनका ऑर्डर कितना है? 2। ठीक है, उन सब की वैल्यू क्या है? उन सब की माइनर की वैल्यू क्या है? ज़ीरो है। बोलो, ज़ीरो है कि नहीं है? सबकी नॉन ज़ीरो वैल्यू है। हाँ, तो अब देखिए मेरी बात ध्यान से सुने, एकदम बिल्कुल अलर्ट हो जाएं कि अगर रैंक टू है तो ऑर्डर टू की बात कर रहे हैं, तो अब ये नहीं कह सकते कि सारे नॉन जीरो हैं, ये नहीं कह सकते, और ये भी नहीं कह सकते कि सारे जीरो हैं, तो सारे जीरो तो है ही नहीं, कम से कम एक। हाँ, इसका मतलब ये है कि एटलीस्ट वन ऑफ ऑर्डर टू इज नॉन जीरो। अब वो कौन सा ही नहीं पता, हो सकता है एक हो नॉन जीरो, दो हो, तीन हो, सारे हो, पर सारे ऑल सारे जीरो हैं ये नहीं हुआ, ये नहीं कंफर्म है। मतलब ऑल माइनर ऑफ ऑर्डर टू मस्ट नॉट बी जीरो। अब सारे जीरो नहीं हो सकते, कम से कम क्या है? एक तो नॉन जीरो मिल ही जाएगा। ठीक है, मतलब ये जैसे रैंक है तो ये बोल देंगे कम से कम इसमें दो ऑर्डर का एक नॉन जीरो माइनर या नॉन जीरो डिटरमिनेंट मिलने वाली है। ओके, तो रैंक क्या डिसाइड कर रही है? कि उस मैट्रिक्स में, ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर की नॉन जीरो मैट्रिक्स, हाईएस्ट ऑर्डर का माइनर नॉन जीरो माइनर, कितने हाईएस्ट ऑर्डर का नॉन जीरो माइनर एग्जिस्ट करता है। समझ आई बात कि नहीं? इस मेथड से ये सीखा कि कोई मैट्रिक्स अगर आपको कितने भी ऑर्डर की मैट्रिक्स दे दी जाए, अगर रैंक आपको पता है, जैसे कि आपको कोई मैट्रिक्स n क्रॉस n की दे दी गई, कोई मैट्रिक्स क्या दे दी गई, और बोला गया कि रैंक क्या है इसकी 50 है, रैंक क्या है 50. तो इसका क्या मतलब है?
हाँ कम से कम एक ऐसी या एक ऐसा माइनर जरूर उसमें होगा। कितने ऑर्डर का? 50 ऑर्डर का, जो क्या है नॉन जीरो। उससे ऊपर वाले सारे क्या हैं? और उससे नीचे वाले? नीचे वालों के बाद पता नहीं, जीरो हो भी सकते हैं और नहीं हो सकते, उससे मतलब नहीं। नीचे वाले फ्री हैं, ऊपर वाले तो सारे जीरो हो ही चुके हैं, और उस ऑर्डर वाले पे कम से कम एक। मुझे लगता है यह सफिशियंट है, इससे ज़्यादा बातें बताई जाए तो बहुत सारी बातें हैं। ज्ञान को ज़्यादा ज्ञान दे दिया जाए वो भी गड़बड़ है, कि आप छांट नहीं पाएंगे फिर क्या दिया जाए, हैं? और कम दिया जाए तो कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे। कम से क्या होता है? कंक्लूजन नहीं निकलता है, और ज़्यादा से आप ये नहीं जान पाते कौन सा इम्पोर्टेंट है और कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस बात को हम यहीं पता क्या करते हैं, विराम देते हैं, दूसरे मेथड पर जाते हैं जो यहाँ पर है। ठीक है, समझ में आ रहा है? नहीं कि ज़्यादा आ गया? नहीं, दोबारा रिवाइज करना जरूरी था कि नहीं? उसमें सही सीखे थे आप ही। हाँ, अब हमारे पास दो स्टेटमेंट हैं यहाँ पे, कहने का मतलब एक डेफिनेशन है, पहले हम उसको पढ़ते हैं। रैंक का मतलब है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। उन्होंने कहा इसका और सिंपल मीनिंग इंटरप्रिटेशन क्या है, कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं इसको सिंपल भाषा में ये बोला जा सकता है कि नॉन जीरो रो इज दैट। नॉन जीरो क्या, रो का मतलब क्या है, कि वो रो जिसमें विच डज नॉट कंटेन ऑल द एलिमेंट्स जीरो, जिस रो में सारे एलिमेंट जीरो ना हो वो रो क्या बोली जाएगी? नॉन जीरो। जीरो रो कब बोली जाएगी? रात नहीं है। रात नहीं है तो क्या है इसका मतलब है? नूतन। रात नहीं है तो क्या है? ठीक, इसमें भी डाउट है। दिन नहीं है तो रात है, सिंपल सी बात है ना। तो अगर जीरो रो नहीं है, जीरो रो नहीं है तो इसका मतलब क्या है? नॉन जीरो। और जीरो रो कब होती है? सारे एलिमेंट जीरो हो, तो जीरो रो पहचान लेंगे, और उसका ना होना क्या हो जाएगा? अब नॉन जीरो में कितने नॉन जीरो हो, जीरो उससे मतलब नहीं है। जीरो रो नहीं है तो इसका मतलब क्या है? तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि जीरो रो और नॉन जीरो रो के बारे में क्या कह रहा है, पूरा डीप में देखते हैं। ठीक है, इस डेफिनेशन को ही अपने माइंड में रखते हुए इसी को इलेबोरेट करेंगे आगे। ठीक है, तुम्हारे जैसे किसी के लेक्चर में छूटे हो तो आप मावला क्लासेस के चैनल पे आ जाके देख सकते हैं ना, यूट्यूब पर आप मावला के नाम से ढूंढेंगे, मावला क्लासेस। जब आप जाएंगे उस पे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, ठीक, प्लेलिस्ट सारी क्रिएट की गई है, रीजनिंग की अलग, कंप्यूटर की अलग, एलजेब्रा की अलग, ठीक है, बाइनोमियल की अलग। जब आप उस प्लेलिस्ट पे अंदर जाएंगे तो आपको सारे टॉपिक टॉपिक वाइज वहाँ मिलेंगे। ठीक, उसी के ऑर्डर पे आपको डिसाइड करना है। रैंडमली बाइनोमियल सर्च करेंगे तो हो सकता है कि बहुत पहले वाला, एक साल बाद आप पहले वाला मिल जाए, तो जो अभी करंट में अपलोड किए जा रहे हैं वो करंट वाले क्या प्लेलिस्ट में डाले जा रहे हैं। तो इसलिए बाई नेम सर्च ना करें, टॉपिक के नेम।